सर, हेलो सर, सॉरी सर, एनीथिंग आई टॉक एनीथिंग दिस वन, सो सॉरी जो आई मीन टू से। हेलो, सुबह नो इश्यूज, नो इश्यूज। सुबह वो टेलीग्राम पे आ जाता है ना, कैसा लिया कैसा का टेंशन हो जाता है सर, ऑफिस में कुछ रहता हो ना, सो ऐसा इसके लिए बात किया सर, अरे सॉरी। कोई ओके बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रहा है, करेक्ट सर, सो करेक्ट सर, वी ऑल थैंक यू सर, थैंक यू सर, अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, डोंट वरी। ओके, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब आ गए। कैन यू सी माई स्क्रीन एंड हियर मी? यस सर, ओके, सो यस सर, ये रिपोर्ट्स हम समझ गए ना कि हम जब ये वाला सेक्शन हम मान के चल रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, तो अपने को कुछ कुछ समझ में आया कि अच्छा चलो इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है, जो भी है सब कुछ बढ़ा है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ, ये एनर्जी सेक्टर है ना, राइट? तो अगर मैं एनर्जी सेक्टर को 19 तारीख को देखूं तो इसने हाई बनाया 16,632 का, लो बनाया 16,358 का, राइट? तो अगले दिन मतलब 20 तारीख को, जो होली से पहला दिन था, आपको लगता है कि इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया? यस सर, ओके, और यहां पे जो शेयर्स ट्रेडेड है वो पिछले दिन से ज्यादा है, यस सर, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम भी हल्का सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा हुआ है और आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से अपने को कुछ दिखा रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट रिट्रेस करेगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स जो होंगे, राइट, उनमें इश्यू आएगा ना, वो उसमें सपोर्ट टूटेगा, राइट, राइट? तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी रिट्रेसमेंट्स बिगिन होते हैं सबसे पहले छोटे छोटे स्टॉक्स आपको बताते हैं, बड़े का मूवमेंट बाद में होता है एक्चुअली, राइट? छोटे का मूवमेंट पहले होता है। जब आपको याद है कि जब ये रैली शुरू हुआ था तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टॉक्स ने ऊपर जाके हमें बताया था, रिलायंस, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, ये सब तो बहुत बाद में चढ़े, आईटीसी, ये तो फैगेंड में मूव हुए। सबसे पहले किस टाइप के स्टॉक चढ़े थे? हिंद पेट्रो टाइप के, राइट? छोटे स्टॉक्स जो थे, तो उस समय मैंने बोला था ना, जब भी बिगिन होता है वो सबसे पहले छोटे स्टॉक से होगा। तो वॉज देर एन आर्टिफैक्ट इंडिकेटिंग दैट अ लोअर लो लोअर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन? ऑल ऑफ यू, यस ठीक है। सर, तो जैसे हम बोलते हैं कि मैंने बस एक ही वो देखा, 3G एनालिसिस, राइट? तो दिस वाज पार्ट ऑफ योर 3G एनालिसिस, करेक्ट? ओके, सो यस सर, फ्रॉम द निफ्टी डेटा ऐसा ऐसा लग रहा था कि यार शायद इसके टॉप पे एक रेजिस्टेंस है, राइट? अगर इसके टॉप पे रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब जो सेक्टर ऑलरेडी लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू हो चुका है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, अगर सेलिंग होनी है तो, अगर होनी है तो, राइट, करेक्ट। अब मान लीजिए कि आपने, आपके लिस्ट में रिलायंस पड़ा हुआ है, ठीक है, अब हेलो रिलायंस सर, क्यों पड़ा हुआ है? हाँ कहिए सर। सर स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे तो। नहीं आ रहा है? नहीं, वो ईटीपी जनवरी 2019 बैच, वो ही दिख रहा है पेज। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। रिफ्रेश कर लो, एक बार मैंने भी कर दिया रिफ्रेश, देख लीजिए आप भी। दिख रहा है। नहीं सर, नहीं हो रहा है, एक बार लॉग आउट करके री लॉग इन हो जाओ आप। ठीक है सर, करता हूँ। ठीक है सर, ओके, तो अब रिलायंस आपके एक्सेल शीट में शायद फीचर कर जाता कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दिस इंक्रीज एंड ऑल दिस।
इन्वेस्टर में तो नहीं आया था, डिलीवरी में आया था। हाँ डिलीवरी में आ जाता ना आपके एक्सेल शीट में, इन्वेस्टर में नहीं आते यस क्योंकि 50% से तो ऊपर ही नहीं है ना अभी। डिलीवरी में आया था। तो डिलीवरी में आ जाता आपके इसमें। ये आ जाता आपके इसमें 58 है, ये है, ये है, तो आईओसी आता ना आपके इसमें, यस सर, आईओसी है आता। ना? और जब आईओसी आता तो ये लोअर लो, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो ही बनाया है, मतलब कुछ फर्क नहीं है इसमें, अलाइंड है, ऐसा नहीं है कि अलाइंड नहीं है। सिर्फ रिलायंस सर अलाइन नहीं था। हाँ मतलब रिलायंस अलाइन नहीं था, पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके एक्सेल शीट में अगर आप 50% के ऊपर वाला भी लेते हैं तो भी आ जाता यस सर आ है जाता। ना, यस सर ये आ जाता। तो देखो माय पॉइंट अगेन, ओके, अभी क्या है कि अभी बहुत हमने बाई देखा है, राइट? होपफुली हो यस सकता है सर कि थोड़ा बहुत अभी सेल का प्रैक्टिस होगा, राइट? अभी इनिशियल फेज में क्या हुआ था, जब बाई का भी हुआ था तो तकलीफ हुई थी ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में, राइट? फिर धीरे धीरे करके अच्छे से वो हो गया। अभी ये सेल का है तो इसमें भी थोड़ा स्टार्टिंग में तो इश्यू आएगा, ठीक है, मान के चलना पड़ेगा, तभी तो इतना लंबा 3-4 महीने तक करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सिनेरियोज वगैरह सब निकल जाना चाहिए ना अपने आंखों के सामने से। क्योंकि अभी क्या होगा कि अप्रैल में ना रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना, तो वो भी अपने आंखों के सामने से निकल जाएगा। तो इसी वजह से तो ये सब करते हैं कि कुछ अगर कहीं पे कमी भी रह गया है तो उसको पूरा करने का अपने पास समय हो, है ना? तो आपको सर एलएन टी एक बार एक्सप्लेन करेंगे सेम सिचुएशन में था। देखिए, एलएनटी वाज ब्रेकिंग अप एंड गोइंग अप, और एलएनटी तो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर ही आता है इसका। यस एलएनटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेंजबाउंड ओपन हो गए, दोनों भी ब्रेकआउट हुए थे और मार्केट नेगेटिव था, फिर भी ये दोनों सेक्टर और स्टॉक दोनों पूरे दिन भर पॉजिटिव ही चल रहे थे, राइट। अब ब्रेकआउट हो। एलएनटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन से इंडेक्स में है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा में है, राइट? तो नहीं, निफ्टी इंफ्रा नीचे सर। हाँ वही वही ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी के अंदर है, राइट? अब अपने को अगर हम देखें तो कल इसका वॉल्यूम बड़ा है, राइट? मतलब मैं ये वाला नहीं देख रहा हूं, मैं 20 तारीख का देख रहा हूं, ठीक है? इसका वॉल्यूम बड़ा है और सेक्टर जो है उसने हायर हाई हायर लो बनाया है, सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिट्रेसमेंट में अभी तक मतलब कोई कोई फंडामेंटल आर्टिफैक्ट नहीं है इसके अंदर सेल ऑफ का, ठीक है, यस यस सर। राइट? तो इसमें कोई फंडामेंटल आर्टिफैक्ट नहीं है अभी तक कि मतलब एक सेल ऑफ बिगनिंग हो रहा है या ऐसा कुछ है, ठीक है? अभी हाँ सर, इसको अगर सेल ऑफ आई नहीं किया। तो अभी अगर हम देखें इसमें, तो आपको लगता है कि अगर मतलब सेक्टोरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मानोगे कि ये जो एक कैंडल है और ये जो एक कैंडल है, अगर इन दोनों को आपस में देखोगे आप, तो आपको लगता है कि ये यहां पर रेजिस्टेंस फॉर्म करना चाहिए? क्योंकि देखिए यहां पे वॉल्यूम बढ़ा है और इस लो को तोड़ के नीचे आया है, राइट? करेक्ट। तो मोस्ट लाइकली इस वाले कैंडल पे कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ओके?
अब अगर इस वाले कैंडल पे रेजिस्टेंस होना चाहिए तो ये कब का कैंडल है? 18 तारीख का। थोड़े से कुछ बंद कर दे रहा हूं मैं। अब देखो ये है ना, ये वाला कैंडल है जिस पे रेजिस्टेंस होना चाहिए अपने पास। अब क्या समझ में आ रहा है कि यार अगर इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ये देखो ये ऐसे यहां से लेके यहां तक टूटा है, ठीक है, तो अपने को समझ में आ रहा है कि मोस्ट लाइकली यहां से लेके यहां तक कुछ होगा। तो इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो यही वाला है, 11:45, राइट, 11:45 का है ये वाला। ओके, अब सेक्टर इज मूविंग अप, राइट, दिस हैज कम डाउन, व्हाट डू यू थिंक नाउ? Did it break this area? Yes. ठीक है, अब देखो आप, अब आप हड़बड़ी में तो नहीं ले सकते हो क्योंकि ये तो फटाक से ऊपर चला गया, राइट? आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एरिया कहाँ होगा? कहीं इस एरिया में आएगा, मतलब अपने, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस था ना, आज रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। आज अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है और अगर मैं इसको देखूं तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, वैसे वॉल्यूम तो वीक है पर ठीक है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है इसमें, है ना, हायर हाई हायर लो जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी ये प्रॉब्लम कौन सा वाला था? ये प्रॉब्लम था माइंट्री एक्विजिशन वाला, याद है आपको? ठीक है, माइंट्री का जब एक्विजिशन हुआ था तो ट्रेडिशनली क्या होता है, जो पेरेंट कंपनी होती है उसका स्टॉक वैल्यू डिप्रिशिएट होता है थोड़ा। क्यों होता है? क्योंकि एकदम से वो बैलेंस शीट को हिट करेगा, इस वजह से मतलब द वैल्यूएशन, द बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक ट्राइज टू कम डाउन। ओके, और ये मैंने शायद बोला भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मंडे में पता नहीं आपका क्लास था कौन सा था, ये मॉर्निंग का होगा शायद। तो अभी इस वाले में हमको समझ में आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस आ गया था। अब अगर इस वाले में रेजिस्टेंस आ गया था तो ये तो आज रेजिस्टेंस तोड़ दिया है ना। आज जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ तो अपने को क्या समझ में आ रहा है? अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहां से लेके ऐसे करके यहां तक कुछ हाई वाई बना दिया, राइट? तो अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो यहां तक गया होगा ना, ओ ऐसे गया होगा ना, तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये 10 बजे वाला है। अगर ये 10 बजे वाला है तो इसका मतलब इसने ये जो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करके जो आज का लेवल बनाया है, ये इससे ऊंचा है या नीचा है? नीचे। अब अगर इसे प्रोसीड करना है तो कम से कम इसको तो तोड़ के करना चाहिए ना। यस, इसके इसको तोड़ के तो ऊपर खुलना चाहिए ना, फिर इस जोन में आकर के कुछ वॉल्यूम बढ़ा करके धड़ 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 ऊपर जाना चाहिए, होना चाहिए ना, मतलब कॉमन सेंस तो यही बोलेगा हमें, राइट? क्योंकि आज इसने पहली बार एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना जो आज का लेवल बनाया वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया है, ठीक है। हाउएवर अगर कल वीक खुलता है तो आपको लगता है कि एकदम से आप खरीदने में वो करोगे? नहीं, आप इसको यहाँ एटलीस्ट आने दोगे, राइट? यस, है ना, इस एरिया में आने दोगे। इस एरिया में जब आएगा तो फिर यहाँ पे आपको दिखने लगेगा ना कि यार वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है, या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नीचे गिर रहा है, कुछ तो दिखेगा ही ना आपको, है ना? क्योंकि अगर इसको नीचे गिरना होगा
तो ये है ना लो, ये वाला एरिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल यहां नेगेटिव खुले, सख से एक एक छोटा सा कैंडल बने। मतलब कई बार आपने देखा नहीं है, सटाक से एक कैंडल बनता है, राइट? एक बड़ी सी पूंछ बन जाती है। हो सकता है कि इस वाले लेवल पे आकर के सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये अगर देखोगे तो इसका हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है और प्राइस जो है इस समय ऊपर चल रहा है। ये लो बनाया था ना इसने, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? बट नेवरदलेस हमारी एक्सपेक्टेशन इससे यही होगी ना कि अगर ये स्ट्रांग है तो यहां खुलेगा। अगर ये यहां खुलेगा तो फिर आप यहां पे इवेल्युएट करेंगे कि सपोर्ट आ रहा है या नहीं। अगर यहां पे सपोर्ट आ रहा है तो यू कैन टेक अ लॉन्ग कॉल। ओके सर, आज इसमें ट्रेड किया था बाई साइड में, ठीक है, मतलब एक ट्रेंडिंग जोन के हिसाब से भी बंदा था और रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से भी बाई साइड इसमें ट्रेड किया गया था, तो दोनों ऐसे मतलब ऐसे हिट हुआ था उसमें से। हाँ, क्योंकि आपका बाई यहां कहीं पे रहा होगा, जी हाँ है ना? इधर कहीं रहा जी हाँ होगा, जी मार्केट साइडवेज था। हाँ जनरली मतलब हाईस पे बाई करना, क्योंकि कल एडवांस डिक्लाइंस का इश्यू था ना थोड़ा। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अगर आज का डेटा देखता हूं, ये मैंने बताया था ना, ये स्क्रीन भी थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट होता है, देख लिया करो कि एडवांसेस कम है ना, डिक्लाइन ज्यादा है, राइट? अगर मुझे हाई पे खरीदना पड़ा ना तो मैं थोड़ा सा मतलब स्केप्टिकल रहूंगा। थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो प्री गई। ओपन में, प्री ओपन में एडवांस ही ज्यादा थी। हाँ ठीक है, प्री ओपन में एडवांसेस ज्यादा था, पर कल का क्लोजिंग में हमारे एडवांसेस कम थे। कल जब क्लोजिंग हुआ था, कल जब दोनों क्लोजिंग कॉन्ट्रडिक्ट हो हुआ रहे थे। था, कल जब क्लोजिंग हुआ था तो एडवांसेस वर लेस, डिक्लाइंस वर मोर, एंड गेनर वाज गेनिंग लेस एंड लूजर वाज लूजिंग मोर। आज जैसे उल्टा है, आज डिक्लाइंस के फेवर में है पर अपने को उल्टा नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मंडे वुड बी अ डिफिकल्ट डे ओवरऑल। इसमें हम एक पहला जो फर्स्ट टॉप गेनर टॉप लूजर वो देखते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी देखे तो लूजर ज्यादा है ना। हाँ, लूजर ज्यादा है, पर हमको ये देखना होता है कि पूरे स्टैक में गेनिंग साइड पे है या लूजिंग साइड पे है, क्योंकि हम तो आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं है। देखो अगर मार्केट ये माइनस में चल रहा है तो इसका मतलब ज्यादातर तो माइनस में ही रहे होंगे ना, तभी तो ये एवरेज माइनस में आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन तो मुझे यहीं से मिल गई है। यस जब मैं इसके अंदर देख रहा हूं तो मैं ये जज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गिरा है, क्या उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा चढ़ने वाले से ज्यादा है या कम है? ओके okay? ठीक है, समझ में आए? यस सर, तो एक्चुअली मैंने जो एलटी का ट्रेड एनालाइज किया था वो एलटी रिट्रेसमेंट होके कल हायर हाई बनाया था और आज ओपनिंग पूरा स्ट्रांग था, फंडामेंटल और प्राइस ओपनिंग दोनों भी, हाँ बिल्कुल, और उसका सेक्टर और एलटी दोनों भी आज रेंज बाउंड ओपन होके ब्रेकआउट हुए थे और दिन भर ब्रेकआउट ही चल रहे थे, तो इसलिए मैंने उसमें सर बाय का ट्रेड इनिशिएट किया सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, फिर ठीक है। तो अभी वो ऐसे बढ़ अगर गया। मान लो इसने हायर हाई हायर लो तो बना दिया, राइट? अभी जब ये हायर हाँ सर, हाई, कल अब जब भी इसने, बनाया था हाँ, सर। अब जब इसने हायर हाई हायर लो बना दिया ना यहाँ पे, इस वाली जगह पे, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट लाइकली यहां से लेके ऐसे करके ऊपर तक गया है ना, लास्ट कैंडल तक इसने हाई बनाया, तो मोस्ट लाइकली शायद इस वीक के आसपास में मेरे को बेस्ट बाइंग रेट मिलना चाहिए, राइट? इसका इस वाले एरिया के आसपास में। अब जब ये एकदम से रन अप हो जाए तो आपको थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता है? हम
2% का टारगेट रखते हैं, 2% तो ऑलरेडी पहले ही गेन कर चुका था। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है, Yes. क्योंकि ये 1379 का लेवल है, ये 1400 का लेवल है, राइट? तो इट इज ऑलरेडी 20-21 रुपीज अबव, 20-21 रुपीज अबव मतलब 1.5% के आसपास गेन। तब तक निफ्टी में भी तमाशा शुरू हो गया है ना, ये देखो ये हाई तोड़ के निकलने लगा, यहां से साइडवेज हो गया है ना, और यहां से साइडवेज होकर के फिर इस वाले लो को तोड़ दिया यहां पे, इस वाली जगह पे। बट नेवरदलेस वट एवर इट इज, पर इवेंचुअली अगर इसमें देखेंगे तो हमारे दिमाग में तो यही घूम रहा होता उस समय कि मोस्ट लाइकली शायद यहाँ की, या तो ये एकदम ही मतलब गैप अप हो जाता आज, विच वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, राइट? पर मोस्ट लाइकली हमारा कोशिश तो इसी एरिया के आसपास में ही रहता ना, क्योंकि किसी भी मेथड से अगर मैं देखूं तो ये इसके नीचे टूटा था और ये जाकर के इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये वाला लाइन, राइट? तो ये वाला लाइन अगर इसका सपोर्ट लेवल है तो एटलीस्ट इट शुड बी क्लोजर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड ना कि जो इन रियल टर्म्स इसका स्टॉप लॉस है, वो इन रियल टर्म्स जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे है, इस वाली जगह पे एक्चुअली जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है ना, तो 1361 पे है। अब 13 यहां पे अगर ट्रेड इनिशिएट करो 1361 का, तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो तो 2% का स्टॉप लॉस हो गया, राइट? तो उस वजह से इसके अंदर भी एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है हमको। तो अब देखो ये रेजिस्टेंस फॉर्म करना चाहिए कहीं पे, अब मान लो कि यहां कहीं पे पहला रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया, राइट? अब अगर पहला रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया तो कहीं ना कहीं पे ये सपोर्ट बना देगा, इस वाली जगह पे सपोर्ट बन गया, ये लो ये है और ये है। अब क्या होना चाहिए यहां कहीं पे, एक मतलब आप एंटिसिपेट कर रहे हो ना कि ये इसको ऊपर तोड़ देगा, तो अगर ये इसको ऊपर तोड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां कहीं पे सपोर्ट बना है ना, एक सेलिंग आकर के बाइंग आना चाहिए, तो यहां पे सपोर्ट आया था, इसके बाद का कैंडल देखते हैं 23-22 सेलिंग आ गया 23। अब इस कैंडल को ऊपर तोड़ेगा ना, है ना, चाहे कैसे भी ऊपर जाए जैसे इसको तो तोड़ेगा ना, इसको बिना तोड़े तो नहीं जा सकता ना, इसको सेलिंग पकड़ना आने के बाद जो बाइंग आया है उसको ऊपर तोड़ना चाहिए। है ना, इसको तो तोड़ना तो चाहिए ना कम से कम ये वाला जगह को। अब देख लीजिए नहीं टूटा है, सर यहाँ पे सेलिंग हो सकती है क्या? नहीं सेलिंग नहीं हो सकती, ये तो स्ट्रांग है ना। अभी हाँ सेलिंग हाँ का देखो, आपने बोला इंफ्रा का है ना ये सबसे ज्यादा, तो अभी भी देखो ये हायर हाई हायर लो में ही चल रहा है, यस सर। क्योंकि देखो सेक्टोरल ऑप्टिमिज्म है ना, अब अगर सेक्टोरल ऑप्टिमिज्म है तो फिर मतलब क्या कर सकते हो आप, नहीं बच सकते आप, अच्छा नहीं भेज सकते। हाँ कहीं ना कहीं तो पेसिमिज्म चाहिए ना आपको, राइट सर। चाहे वो स्टॉक में हो या सेक्टर में हो या पूरे ओवरऑल मार्केट में हो, कहीं ना कहीं तो होगी ना एक पेसिमिज्म। यस सर। सर एक सेल का एक कैसे मेथड है वो जरा बताएंगे क्या? मतलब अभी सेल किसका? के अगर सेल कैसे लेना है सर? मतलब देखो सेल लेने में क्या है, मतलब सेल इज उल्टा उपाय, ठीक है? अब मान लो हाँ हाँ HDFC है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलो अभी ये HDFC तो हायर हाई हायर लो में चल रहा है ना, देखो है हाँ यस सर। ना, अब ये कौन से स्टॉक का है, कौन से उसका है, फिनसर्व का है, राइट? मान लेते हैं फाइनेंशियल
फाइनेंशियल का है, तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल। सर्विस। अब फाइनेंशियल सर्विस को देखते हैं, आज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, ये हायर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है, राइट। मतलब ये ऊपर से आकर के नीचे बिका है, करेक्ट। तो क्योंकि ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेट में चल रहा था, ये ऊपर से रेजिस्टेंस बना करके नीचे गिर गया, ठीक है, और वॉल्यूम के साथ गिरा है, जी सर। यस, राइट। इफ दैट इज द केस, नाउ लेट्स लुक एट एचडीएफसी। एचडीएफसी था ना ये, अब इसने एग्जैक्टली वही काम किया है, मतलब ये इसने ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, राइट। पर इसका आज का थोड़ा वॉल्यूम वीक है, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम वीक है, बट नेवरदलेस इफ यू हैव टू शॉर्ट इट नाउ, हमको ये समझ में आ रहा है कि शायद इसने इस वाले लेवल से गिरने का कोशिश किया है, आज ड्रॉप किया है ना अंदर। तो यस सर। अगर इसने ड्रॉप किया है अंदर, तो पहले ये देखते हैं कि क्या इसने सपोर्ट तोड़ा है, क्योंकि यहां से लो बनाते हुए दनदनाते हुए यहां तक गया था। तो ये जो है 10:15 का है यहां पे, तो इसका मतलब है इस वाले रेंज को तो इसको आज तोड़ देना ही चाहिए, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो आज भी हायर हाई बनाया है, हायर लो हायर हायर हाई हाई। हायर लो बनाया है, ठीक है, सेक्टर में एक थोड़ा सा वो है कि हाई से नीचे गिरा है मान लिया, पर स्टॉक पर्सपेक्टिव से सपोर्ट तो ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, अब अगर मान लो कल इसको गिरना भी है, तो यहां से लेके यहां तक कहीं पे आया है, राइट। अब जब इस वाली जगह से इसने हाई बनाया, राइट, इस वाले उससे, ठीक है, और इस वाली जगह तक आ गया है ना, इस वाली जगह तक। अब देखो ये जो है 11115 110, इसका मतलब ये वाला जगह है जो यस सर। आज इसने फॉर्म किया, तो ये हुआ 9:50। 9:50 इज समवेयर 9:55, मतलब इट इज समवेयर हियर, यार मुझे ये लेवल तो हायर लेवल लग रहा है, ये लोअर लेवल नहीं है। आइडियली क्या होगा, जो नया लेवल बनेगा वो नीचे बनना चाहिए ना बेरिश में, ऊपर क्यों बन रहा है? क्योंकि तो मुझे तो ऐसा लग रहा है तो सपोर्ट ले गया है ना, हाँ। ये तो सपोर्ट ले गया, इसका मतलब क्या है कि या तो ये इसके ऊपर खुलेगा कल, कल मतलब वही जो भी है मंडे को, फिर इस सपोर्ट को तोड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज गिरेंगे, मतलब एज अ सेक्टर गिरेगा, और फिर ये अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज अभी तो यही समझ में आ रहा है कि आज का लेवल जो है वो कल के लेवल से ऊपर है, तो मतलब अभी भी ऑप्टिमिज्म है इसमें तो, क्योंकि लोगों ने तो इसके सपोर्ट को नीचे टूटते ही खरीद लिया। ज्यादातर नहीं भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऐसे हो गया था सर। आई एम सॉरी, इसमें भी बाय ट्रेड बनाया था, उसमें भी ऐसे हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड पे। ओके, यहां पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं बन गया है, कहीं ना कहीं तो बना ही होगा, यहां बन गया मान लो, ठीक है, ठीक है, यहां पे बन गया। अब अगर यहां पे बन गया है तो
यहाँ पे सपोर्ट आ गया, ठीक है, इस वाली जगह पे सपोर्ट आ गया। अब जब सपोर्ट आ गया तो कहीं पे भी बिक जाएगा। अब मान लो यहाँ पे बिक गया 1300, 12:50, ये तो सब पता पहले चला। आ गया है सेलिंग, इसके पहले आ गया, नहीं नॉन सर काफी लॉन्ग, पहले, काफी इससे पहले नहीं, सपोर्ट के बाद में, यहाँ पे सपोर्ट आया ना अब, सपोर्ट कंफर्मेशन यहाँ पे सर, सपोर्ट सपोर्ट आया। कंफर्मेशन के बाद। हाँ यहाँ पे सपोर्ट आया, पहला लाल कैंडल तो ये है। 11:25 को भी आ गया था ना सर, सपोर्ट कहाँ गया? 11:30 से 40 के बीच में। नहीं, ये सर जो ट्रेंडिंग जोन बना है ना, वहां पर ही सपोर्ट बना। हाँ यहाँ पे बना है, इस यस सर, वहां पे बना। वाली जगह पे बना है। अगर इस वाली जगह पे बना है तो पहला सेल ऑफ मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, राइट? सेल ऑफ होते यस ही, सर, वही सेल ऑफ होते ही यहाँ पे बाई हो गया, राइट सर, ठीक है, यस सर। ये वाला एरिया है। इसका मतलब है कि इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यस आपने इस पोजीशन को यहाँ पे बनाया है, मान राइट लेते सर, हैं को, या फिर यहाँ पे बनाया चाहे यहाँ पे बनाया, जेन्युइन स्टॉप लॉस, इट्स ओके, ठीक ओके सर। है, कोई इशू नहीं। अभी सर ये जो हम सर मार्केट क्लोज होने के बाद जो डेटा को कलेक्ट करके जो होमवर्क करते हैं सर, तो सर जो नेक्स्ट डे के लिए हम जो फाइनल वॉच लिस्ट बनाएंगे जो डेटा के ऊपर से बनाएंगे। देखो मुझे पता है क्या लग रहा है विपुल, यस सर, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग वॉच लिस्ट को बनाने में ज्यादा टाइम लगाते हो। सर वैसा ही हो रहा है सर हमारे साथ। आपको इतना, आपको मेन टाइम लगाना है इसको स्टडी करने में। ओके सर, अभी जैसे आपको मान लीजिए कि मैंने ये खोल के दिखाया आपको, बोला अच्छा ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, राइट सर, आपको वॉच लिस्ट बनाने में 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके सर, उससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हो आप अपना समय बर्बाद कर रहे राइट हो। सर, आपका तो वही हो समय गया सर। जाना चाहिए एक्शन लिस्ट में, ओके सर, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप एक्सेल शीट के गुलाम बन जा रहे हो। ओके सर, और एक्सेल में तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि वही सर हो रहा है, वही ज्यादा वो तो, कंफ्यूजन वहां पर। हाँ वो तो इंडिकेटिव है ना, ओके सर, वो तो इंडिकेटिव है आपका ह्यूमन ब्रेन। मतलब चार्ट पे ज्यादा समय बिताना है सर। इसी में मतलब अगर आप होमवर्क करने में 4 घंटा लगा रहे हो तो 3 घंटा 50 मिनट यहां स्पेंड करना है। ओके सर, 10 मिनट ठीक है, एक्सेल शीट बना लिया, कोई बात नहीं। नहीं सर, वो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है सर कि हम जो होमवर्क करते हैं और यहाँ पे अपने को जो पहुंचना है चार्ट पे, मतलब कौन से स्टॉक हमको देखने हैं जिसमें चार्ट में स्टडी करना है, तो सर वो रास्ता तो वहां से ही आएगा ना, जो हमने जो लिस्ट बनाया वहां हाँ से यहाँ पे पर आएगा, इसलिए तो कह रहा हूं ज्यादा समय तो आपको यहीं पे लगेगा ना फिर। तो सर क्यों? उसमें मतलब। अब मान लो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आपने जैसे ही सेक्टर को देखा, आपको यह यस समझ सर में आया कि अरे यार ये सेक्टर तो गिर रहा है। अब मान लो राइट एचडीएफसी सर, भी आपके लिस्ट में आ रखा है, आपने जब इसको खोल के देखा तो आप कह रहे हो यार ये तो हायर है, हायर लो बना रहा है। राइट सर, इसका मतलब अगर मुझे इसे बेचना है तो मैं इस लेवल के ऊपर अगर जाकर के ये गिरता है तो ही बेच सकता हूं, अदरवाइज तो कोई राइट चारा नहीं सर, है ना, क्योंकि ये तो हायर आई हायर लो फॉर्मेट में चल रहा हाँ सर, है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये लो नहीं तोड़ पाएगा ना इसका, और अगर फिर भी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है तो मुझे तो ऊपर से बेचना पड़ेगा इसे, है राइट सर, ना। तो इसका मतलब मान लो ये रिजेक्ट हो गया, मान लो एक बारी को। अब मान लो आप यस एलएनटी को बाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने जो भी कुछ बनाया है इसमें, जो भी बना के रखा आपने, ठीक है, एलएनटी के अंदर, तो इसको अब आपने मॉर्निंग में प्री ओपन में देखना पड़ेगा ना आपको, यस सर, ठीक है। तो ये आपके एक्शन लिस्ट में आ गया, मान लो कल के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
क्योंकि ओके अब सर, इसका ओपनिंग प्राइस आपको बताएगा कि कल कुछ कर सकते हैं या नहीं इसमें, ओके सर, पर उसके लिए ये पता होना चाहिए ना ये कहाँ खुल रहा है। राइट, सी यू हैव टू स्पेंड 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स ऑन अ शीट, ओके सर, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स। और आप लोगों के मेच्योरिटी लेवल, क्योंकि आप लोगों को तो अब समय हो गया है, ब्लॉक वन कर चुके हो आप यस, लोग, ठीक है, कईयों का तो ब्लॉक टू भी खत्म हो गया मेरा ब्लॉक टू भी खत्म हो गया है सर, ना, तो आप लोगों को तो अब समय हो गया है काफी, आप लोगों को तो तो सर एक्चुअली अब एक्सेल शीट की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। सर थोड़ा थोड़ा सर शॉर्ट में एक्सेल शीट जो हम डेली डेटा बनाते हैं वहां से यहाँ पे कैसे आने का, वो सर थोड़ा बता दोगे क्या? अब नाउ से फॉर एग्जांपल मैं मार्केट से शुरू करता हूं, ओके सर, मैं सबसे पहले आर्टिफैक्ट कलेक्ट करूंगा, अरे यार यहाँ पे तो मुझे चलो नेगेटिव, यहाँ डिक्लाइंस के फेवर में लग रहा है, यहाँ पे तो कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही, तो अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि अब यहाँ पे बहुत क्लोज है ना, समझ में नहीं आ रहा है, राइट यस right? सर, और सर दूसरा, एनटीबीसी बीपीसीएल हाँ एक ही है, एक ही सेक्टर से सेक्टर है का, सर, यार राइट right? हाँ तो और ये तो, हाँ दूसरा चीज जो अपने को समझ में नहीं आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है कि यार ये तो एनटीपीसी भी एनर्जी सेक्टर का है, बीपीसीएल भी एनर्जी सेक्टर का है, एक लूजर है और एक गेनर है, राइट राइट सर, right? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, इसका मतलब ये है एनटीपीसी पावर कंपनी है और ये यस तेल, सर, ये वाली तेल की कंपनी है, राइट right? इसका मतलब है कि इस एनर्जी सेक्टर के अंदर भी कुछ आपस में गड़बड़ी चल रही है ना, आपस में गड़बड़ी चल रही है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये आपस में ठीक से ट्रेंड नहीं हो रहा है। ओके अब पॉइंट नंबर वन, अगर मुझे समझ में नहीं आता तो आई विल ट्राई टू स्टे अवे, स्टे अवे इन द सेंस, क्योंकि बोथ आर सेम सेक्टर, इट इज टेलिंग अस दैट मार्केट इज ऑल्सो कंफ्यूज। ओके अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मुझे यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एलएनटी को देखता हूं, ये 1.76 है, इंफ्राटेल 3 है, मैंने मान लीजिए इस एनर्जी सेक्टर के स्टॉक को हटा दिया कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, अगर मैं मान के चलूं कि एनर्जी का कोई भी स्टॉक मेरे स्टैक में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा गेनर कौन है, एलटी, और मेरा लूजर कौन यस है, सर, इंफ्राटेल, यस सर, अगर मैं सारे के सारे एनर्जी स्टॉक्स को हटा दूंगा। राइट सर, मुझे ये दिख रहा है इंफ्राटेल का लॉस बड़ा है, एलएनटी का लॉस गेन कम है, यस सर, और यहां पे मुझे मार्केट डिक्लाइनर्स के फेवर में लग रही है, यस, और निफ्टी भी नेगेटिव क्लोजिंग है, ठीक है, निफ्टी भी नेगेटिव क्लोजिंग है और रिट्रेसमेंट का इंडिकेशन दिया है इसने, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज इसके नीचे टूट गया है, मतलब सपोर्ट तोड़ के आया है नीचे, है हुए थे, यस ना, तो मान लीजिए सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे है। ओके तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो हाइपोथेसिस होगा, सबसे पहला चीज मेरा सेलिंग का हाइपोथेसिस होगा, ओके सर, क्योंकि देखो मैं उसी का हाइपो बना सकता हूं जो मुझे दिखता है, जो चीज मुझे दिख नहीं रही है उसका मैं क्या कर लूंगा। राइट सर, ओके अब अगर मेरा हाइपोथेसिस सेल साइड में है तो इसका मतलब मैं किसको बेच सकता हूं जो चीजें वीक हैं, ऑटो वीक दिख रहा है, राइट right? यस सर, मान लो टेलीकॉम देखना पड़ेगा खोल के कि वीक दिख रहा है या नहीं, ठीक है, हेलो सर, सर एलटी और इंफ्राटेल भी दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, राइट right? हाँ, तो एक गेनर है और एक यूजर है सर, करेक्ट, तो अभी अगर वही तो आपको मैं बोलना चाह रहा हूं कि देर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट यू सी, और ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये पहली बार देख रहे हो, ये पता नहीं कितनी बार होगा आपके साथ। अब अगर इंफ्रा को मैं देखूंगा तो मुझे तो हायर या लो दिख रहा है,
यस सर। गड़बड़ी है ना, राइट। अब मान लो मेटल खोलता हूं, मेटल में ये तो इस वाले दिन से लोअर लो लोअर हाई बना रहा है ना। आखिरी बार इसने हायर हाई हायर लो इस वाली जगह पे बनाया था 19 तारीख को। उसके यस बाद सर। ये 20 मार्च को इसने लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया, और जब ऐसा किया राइट तो इसने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, राइट सर। है ना। मान लो अगर ऐसा हुआ, कल का हाइपो भी यही रहा होगा ना हमारा, यस सर। तो देखते हैं। ये हाई प्राइस 531 था, 526 है, राइट। 20 था, 511 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब टाटा स्टील कैन वन ऑफ कैन बी अ सेलर, मतलब सेलिंग हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन जो अपने को दिख रहा है वो भी लोअर हाई लोअर लो का दिख रहा है, मान लेते हैं एक बारी, ठीक है। राइट सर। अब मान लो कल शाम को मैं क्या करता, टाटा स्टील को ओपन करता ये देखने के लिए कि इज इट अ गुड दिस थिंग। तो हाँ, मेरे को तो दिख रहा है कि ये वाला फॉर्मेशन हुआ है, राइट। इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ है, इस दिन लोअर लो लोअर हाई बना है, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले का सपोर्ट टूटा होगा ना कहीं पे। सर चलो ठीक है, अब अगर उसी को मान के चलेंगे तो इसका सपोर्ट इस दिन पे टूटा है ना, ये ऐसे करके ऐसे था, राइट। यस ओके, अब जब ये ऐसे करके ऐसे था तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं पे हाई वाई बन गया, राइट, और यहाँ कहीं पे लो वो बन गया था। तो अपने को समझ में आ रहा है ये वाला एरिया है, राइट, इंपॉर्टेंट एरिया जो था वो मान लो ये वाला है। ओके, अब अगर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है तो ये तो वैसे भी ऊपरी हिस्से में है, राइट, ठीक है। यस सर। अब अपने को ये देखना है कि ये तोड़ के नीचे आया है ना इसको। अब अगर ये तोड़ के नीचे आया है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो नहीं खुला कि ये तोड़ के नीचे आया, तो इज देयर एनी अदर सपोर्ट लेवल। द आंसर इज यस। इसने जब इस लो को बनाया था, इस लो को जब बनाया था, आपको लगता है कि इस वाली जगह से ये हाई लो को तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था वॉल्यूम के साथ, यस सर। ठीक है। तो ये जो लो था, ये देखिए, यहां से सपोर्ट लिया था और ऐसे गया था ऊपर, राइट। ओके, अब देखते हैं क्या ये टूट के क्लोज हुआ है। द आंसर इज यस। मेक सेंस, ठीक यस सर। यस है। कम से कम लॉस तो नहीं करेगा राइट सर। अगर मैं गलत भी हो गया तो। अब मान लो मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेटल सेक्टर को ट्रेड करना है मेरे हाइपोथेसिस के हिसाब से। ओके, अब मेटल में तो और भी तो स्टॉक्स है ना, हिंडाल्को है मान लो, यस सर। हिंडाल्को में भी हल्का सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, और ये भी थोड़ा बड़ा मेरा है। एक क्वेरी था। हेलो सर, यहाँ हाँ बोलो। पे थोड़ा मेरा एक क्वेरी था सर। थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से सिनारियों में सपोर्ट को बाय या सेल करना है और कौन से सिनारियों में रेजिस्टेंस को बाय या सेल करना है। देखो, अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो सपोर्ट पे आने के बाद क्या होगा, बाई हो जाएगा,
ओके अगर सेक्टर वीक है तो रेजिस्टेंस पे आने पे क्या होगा, सेल हो जाएगा, लोग निकल जाएंगे ना उसमें से, एग्जिट कर जाएंगे। अब देखो हिंडाल्को में, देखो हिंडाल्को में हायर हाई हायर लो बना है ये तो, राइट यस सर तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली अलाइंड नहीं है मेरे लिए, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रक्चरली अलाइंड नहीं है तो मैं तो इसके हाई के ऊपर ही बेच सकता हूं अगर मुझे बेचना भी है तो, है ना। यस सर अगर मुझे बेचना भी है इसको, कि मैं इसको खरीदूंगा नहीं क्योंकि आज ऐसा सा लग रहा है कि इसके सपोर्ट टूट जाएंगे इनके, ठीक है, तो हिंडाल्को, ठीक है, अब हिंडाल्को यहाँ पे है, कि मान लीजिए मुझे लग रहा था कि आज शायद इसके सपोर्ट टूट जाएंगे तो मैं तो इसके हाई के ऊपर से ही बेचूंगा, राइट। अब देखो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, राइट। आप देखिए आसपास भी नहीं आया है, राइट, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये सर मॉर्निंग में इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये देखो आप, हाँ है सर ना, ये वाला जो कैंडल बना है वो यहां बना है इस वाली जगह में, ये देखिए, राइट। अब ये हुआ साइडवेज, पर अभी भी बुलिश है, सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, राइट, अभी भी कोई सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है इसमें। आप देखिए बिल्कुल बीच में चल रहा है और ये लेवल भी ऊपर बना है आज, राइट, और हम तो चाहते हैं कि ये इसको ब्रेक करेगा इस वाले दिन के, यहां से लेके यहां तक बना है ना, तो मोस्ट लाइकली इसके बीच में ये वाला कोई लेवल होगा यहाँ पे, तो हमारा तो टारगेट 202 के आसपास का है कि अगर ये सेल हो जाता है, इन केस ये सेल हो जाता है, तो हिंडाल्को वाज नॉट अ ग्रेट पिक, राइट, करेक्ट, सर क्योंकि स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट भी नहीं दिख रहा था अपने को उसमें, ठीक है। और मेटल्स में क्या आता है, JSW, अब JSW भी हल्का सा बड़ा है, अब जब हल्का सा बड़ा है इसने लोअर लो, सॉरी लोअर हाई लोअर लो बनाया है ना, यस सर ठीक है, तो इसको आप फिर भी पिक कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर हम इंडेक्स में जाते हैं और मान लीजिए यहां से मैं मेटल को उठाता हूं, ओके, तो मेटल्स में ऐसा नहीं है कि फॉल नहीं हुआ है, बहुत जगह पे फॉल हुआ है राइट सर आज, राइट, ओवरऑल सेक्टोरली भी मान लो नेगेटिव वेगेटिव में है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू दैट दिस जॉब शुड बी जस्ट एक्सेल शीट जॉब शुड बी नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, जो आपका ओके सर ब्रेन वर्क है उसमें ज्यादा समय लगाना है। अब मैंने कहां से शुरुआत करी इसको कनेक्ट करने के लिए, मैंने शुरुआत करी इस शीट से, इस वाली जगह से, एनएसए की वेबसाइट से सर एनएसए की वेबसाइट से, यहां से शुरू करा, यहां से शुरू करने के बाद मान लीजिए कि मैं उसके बाद इंडाइस में गया, राइट, इंडाइस में मैं फिर देखने लगा कि अच्छा अगर मेरा हाइपो नेगेटिव होना चाहिए या सेल होना चाहिए या बाई होना चाहिए जो भी है, तो इसका मतलब कि एक टर्न अराउंड किसी सेक्टर में आना चाहिए ना, ठीक है। यस सर अब इतने सारे सेक्टर हैं जो भी है, वट एवर इट इज, FMCG हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, ठीक है, तो इनमें जिनमें भी मुझे लगेगा, जिन सेक्टर्स में एक मतलब सेक्टोरली लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशंस हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, उनमें सेल ऑफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा है ना, ठीक है। अब जब आप यस सर
ऐसे करके पिक करोगे तो आपके पास एक्शन लिस्ट के अंदर सेक्टर वाइज, मान लीजिए मेटल के दो स्टॉक पड़े, फार्मा का एक स्टॉक पड़ा है, या तीन स्टॉक पड़े हैं। अब आपको ना, आप जब इस चीज को देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार सबसे ज्यादा रेपिटेशन कहां पे है ना। ओके सर, और साथ ही में क्या मेटल वो सेक्टर है या फार्मा वो सेक्टर है या आईटी वो सेक्टर है जिसमें कलेक्टिव, अब ये आपको शीट से मिलेगा। इंडस्ट्री लेवल पे राइट वॉल्यूम डिलीवरी का बढ़ा था, ओके सर, राइट ये सब चीजें तो आपकी शीट में है, सर, ये उठाना है आपको। आपको गुलाम नहीं बनना है एक्सेल शीट का। एक्सेल शीट हैज टू प्रोवाइड यू वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। एनालिसिस राइट तो आप ही को करना है। सो यू शुड बी स्पेंडिंग से आउट ऑफ 4 आवर्स, यू शुड बी स्पेंडिंग 3 आवर 50 मिनट डूइंग द एनालिसिस जॉब। 10 मिनट इज शीट, ठीक है, सर, ठीक है, इसको उल्टा नहीं होना चाहिए। तो सर जो डेली का जो हम डेटा जो करते हैं, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? आपने जो बोला था कि डीले जो इन्वेस्टर प्रेजेंस जो 50% के ऊपर है उसको ज्यादा मॉनिटर करो, हाँ, उसको ज्यादा तो प्रेफरेंस दो आप। राइट सर, तो उसके नीचे भी क्योंकि काफी स्टॉक है जिसमें 50% तो कभी कभी देखने को मिलता है, आप देखो ना तो उसमें आप क्या करो कि जैसे जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में आपको लग रहा है कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा है राइट सर, उसको एनालाइज कर लो। ओके सर, तो मतलब उसको कर सकते हैं ना सर वो हिसाब हाँ, से, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, ओके यस सर, है ना। प्लस मार्केट के साथ भी कोरिलेट करो आप उसको। अब से फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे तो ये क्या कर रहा है, ये हायर हाई हायर लोज बना रहा है। यस सर, देखो कॉन्स्टेंटली हायर हाई हायर लोज, हायर लाई, विल इट नॉट गेट टायर्ड, बहुत बड़ा रन अप है राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कैसे पता लग जाएगा कि सेल ऑफ होगा, देर वुड बी दिस काइंड ऑफ एन इंडिकेशन। देखिए इस दिन आपको देखना था कि क्या मार्केट इज इन फेवर ऑफ डिक्लाइंस और एडवांसेस, किसने ज्यादा गेन किया है, किसने ज्यादा लूज किया है, क्या लूजर ने ज्यादा गेन लूज किया है या गेनर ने ज्यादा गेन किया है, इनसे आइडिया होगा ना आपको, सर है ना। फिर उसके बाद आपको क्या देखना होगा कि यार इनमें सपोर्ट टूटेंगे, है ना। यस अब जिस सेक्टर में आप ट्रेड करना चाह रहे हो राइट, अब मान लो मेटल सेक्टर में ट्रेड करना है आपको, तो अगर मेटल सेक्टर में ट्रेड करना है तो ओवरऑल एट एन एवरेज मेटल सेक्टर भी तो हाई नहीं तोड़ पाएगा ना, राइट है ना। तो आपको ये देखना है कि गैप अप तो नहीं हो गया, ओके राइट क्योंकि अगर वो गैप अप खुल रहा है और उसके बाद हाई तोड़ रहा है तो इसका मतलब आपके हाइपोथेसिस के उल्टी दिशा में चल रहा है ना। उसको भी तो यस सर, साइडवेज ही खुलना चाहिए ना, और एक लोअर हाई बनाना चाहिए। सर ये जो 20 का जो रेड कैंडल बना था निफ्टी में, तब सर आपने बोला था कि एक रेजिस्टेंस बिल्ड करके और नीचे आया प्राइस, तो सर वो रेजिस्टेंस मतलब किस हिसाब से वो उसको देखने का? नहीं देखिए, ये इसके ऊपर गया और वापस आ गया ना, यस सर, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि क्या ये कल गिर सकता है। अगर ये गिर वो नहीं सकता है, सर, उसके अगर बाद वाला रेड कैंडल ये वाला ना, 20 20 20 का सर, ये वाला, ऊपर ऊपर ये लास्ट वाला, सेकंड, यस यस सर, हाँ। अब मान लो ये ऊपर खुला नीचे आ गया, यस सर, मतलब हाई के अंदर बंद हो गया ना। अब अगर हाई के अंदर राइट सर, बंद हो गया तो फर्स्ट लुक विल से कि अच्छा यार रेजिस्टेंस बना है। सबसे पहले तो ये देखो कि पूरा ओवरऑल निफ्टी में कहीं वॉल्यूम तो नहीं बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा था ओके सर, एक्चुअली इस दिन दिवाली हाँ से यस पहले, सर, ठीक बड़ा है।
और डिलीवरीज भी हायर था ओवरऑल, यस सर, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ है तो मे बी यू विल से दैट ओके माय हाइपोथेसिस इज सेल, पर ऐसे में सेल ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्केट इज इन अ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, है ना, मार्केट इज इन अ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। अब अगर मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में, इसमें सेल ढूंढना इतना आसान नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेक्टोरली लोअर लो लोअर हाई बनना चाहिए, राइट सर, ठीक है, और वो सेक्टर होना चाहिए जिसमें कि अभी तक हायर हाई हायर लो बन रहा था, ओके सर, क्योंकि इसका मतलब वो ऊपर जा रहा था ना, राइट, अब वो ऊपर जा रहा था उसके बाद अगर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है ना कि ओके आई वॉन्ट टू सेल ऑफ, ओके राइट, हाँ, तो वो सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा, राइट सर, ओके। तो उसमें जैसे आप आपने सेक्टोरली चेक कर लिया, ये तो आप एक मिनट में उससे भी निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट में से भी, यस सर, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, है ना। तो सर सर हाँ जी सर, विपुल का और हमारा मेरा भी व्यू ये है कि हमको एक सिस्टम को फॉलो करना है, भले वो लॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वॉन्ट टू फॉलो द सिस्टम दैट यू आर शोइंग अस रिलीजियसली, और अगर आज ट्रेड नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा मतलब वो था, आई होप विपुल ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द सेम एंगल, ओके। अब जैसे मान लो कल जब आपने देखा तो एनर्जी दिखा था ना आपको कि ये तो हायर हाई फॉर्मेशंस कर रहा था ना, जब ये हायर हाई फॉर्मेशंस कर रहा था तो कल ही तो इसने पहली बार लोअर लो लोअर हाई बनाया, देखिए, और वॉल्यूम भी बढ़ा, यस है, ठीक है, तो आपके जवाब इन्हीं के अंदर ही छुपे हैं, नहीं नहीं सही है सर, उसको अलाइनमेंट में लाने का है, हाँ, तो बेसिकली आपको नियम बनाओ, 10 मिनट से ज्यादा एक्सेल शीट नहीं, ओके सर, एक्सेल शीट इज जस्ट इंडिकेटिंग के अच्छा यार कहाँ पे हुआ, अच्छा चलो फटाफट एक एक्सेल शीट में डाला और देख लिया लोअर लो लोअर हाई कहाँ बना, अच्छा इसमें इसमें और इसमें बना, चलो इसको चेक कर लेते हैं, ओके सर, ठीक है, बट एक्सेल शीट आपके बिजनेस का आधार नहीं होना चाहिए, राइट सर, अभी सर आपने बताया, अभी तक तो क्या होता था कि वीकली बना देते थे फिर उसको डेली से मैच करते थे, उसमें ही सर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, वो इसलिए भी है ना कि वो अच्छा भी लगता है मजा भी आता है उसमें एक्सेल शीट बनाने में मजा भी आता है अच्छा भी लगता है, पर वो आपका 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। सर अभी आपने जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग का जो 3G एनालिसिस बताया, इसको वापस मॉर्निंग में अगेन उसको 3G एनालाइज करना है वापस, हाँ नहीं देखो, अब मान लो कि आज एनर्जी में आप आपको लग रहा था कि अच्छा एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है, तो सबसे पहला चीज आप ये चेक करोगे ना कि कहीं एनर्जी गैप अप तो नहीं हो रहा है आज मार्केट ओपनिंग पर, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये गैप अप हो रहा है, मान लो कि ये 16,607 के ऊपर खुल जाता है तो आपको थोड़ा सा थमना पड़ता ना, यस सर, आपको वेट करना पड़ता उस केस में, क्योंकि फिर तो वो खुली मतलब स्ट्रॉन्ग रहा है, हाँ यस सर, है ना। अब सिर्फ इतना ही नहीं जितना मैंने बताया, और भी चीज देखना है, देखो अभी यहां से लोअर लो लोअर हाई बना है, राइट, आप ये देखिए यहां पे दिस वाज हायर देन दिस, 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 ग्यारह तक था ना,
देखा था हमने, हायर देन दिस, हायर देन दिस, दिस वॉज लोअर देन दिस, राइट? एम आई राइट? 8 तारीख का जो डेटा है, करेक्ट, वो इस वाले डेटा से नीचे की तरफ है. ये लोअर हाई लोअर लो नहीं है. यस सर. मतलब ये 8 मार्च का डेटा भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस वाले एरिया में काम कर रहे हो तो इससे पिछला वाला जो एब्रेशन है वो कहां पड़ा है. मतलब मार्केट कहां से ब्रेकआउट हुई थी, 390 के लेवल से, 15,390 के लेवल से. इसके नीचे टूटना मतलब असाधारण होगा, है ना? क्योंकि इसी लेवल को तोड़ के तो ये 1,000 पॉइंट ऊपर आया एनर्जी. यस सर. है ना, 1,000-1,200 पॉइंट इसी लेवल को तोड़ के तो ऊपर आया. अब अगर 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर आया तो 300-400 पॉइंट का एक ले सकता है ना, क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट. राइट सर. है ना, तो इन सब चीजों को भी कंसिडर करना है आपको. हाँ, गैप अप ओपन हुआ था. करेक्ट, 11 तारीख को गैप अप ओपन हुआ था एनर्जी सेक्टर. और यही वाला एरिया है ना जब ये हिंद पेट्रो पेट्रो सब एकदम अचानक से धूम धड़ाम करके आगे बढ़ना शुरू हो गए थे, राइट? क्यों? क्योंकि ये वो परफेक्ट एग्जांपल है. आप यहाँ पे देखिए, इस दिन पे उससे पहले भी हायर हाई हायर लो बन रहे थे, राइट? ये पहली बार था कि लोअर लो लोअर हाई बना था. अब मान लीजिए कि आपने अगर हाइपोथेसिस बना लिया होता सुबह सुबह कि अच्छा ठीक है एनर्जी तो बिक जाएगा, है ना, सुबह सुबह ही आपके पास आर्टिफैक्ट था यार ये तो गैप अप हो गया है, है ना. अब अगर ये गैप अप हो गया है तो हो सकता है कि जिनमें शॉर्ट्स बने हैं वो कवर हो जाएंगे, हाँ या ना? Yes. तो ये एक ही चीज आपके कितने सवालों का जवाब दे देता है. हेलो सर. सर मेरा एक छोटा सा सवाल था सर. फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने एलटी में लॉन्ग साइड में ट्रेड करने की कोशिश की, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या हम इंस्टेंटली फिर उसमें कोई सेल साइड में छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं सर? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड. उसका रीजन ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है ना तो सर, आपको वो ट्रेड समझ में ही नहीं आया. गेटिंग माई पॉइंट? सर आपको वो ट्रेड समझ में नहीं आया तो आप छोड़ दीजिए उसको, मत कीजिए. क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका लेवल गलत था, राइट? और जैसे ही आप सेल लगाओगे ना वो फटाक से ऊपर चला जाएगा, या मतलब अगर आप बाई लगाओगे तो फटाक से वहीं से गिर जाएगा. तो जिसमें एक बारी गलती हो गई है मान लो आप उसको, रातर आप थोड़ा समय लगाओ ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपको मिल जाएगा उसका जवाब. पर मैंने यही देख के एनर्जी का देख के वीपीसीएल निकाला था सेल के लिए आज के लिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट कैंडल के बीच में ओपन हो इसके लिए मैंने छोड़ दिया, नीचे नहीं हो गए. तो बाद में देखा तो नीचे आ गया होलसेल में, मतलब तो वहां किधर उसको शॉर्ट कर सकते थे अगर करना था तो. अब कल जो बीपीसीएल का हालत था वो कुछ ऐसा वाला था, राइट? इस टाइप का था. तो ये
इस लेवल से गिर गया था, मतलब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करके यहाँ से गिर गया था। अब इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि यार इसने आखिरी बार हाई कौन सा तोड़ा था, ये वाला तोड़ा था ना, ये वाला हाई तोड़ा था करेक्ट, इस वाले हाई को तोड़ा था, तो इसका मतलब इस वाले कैंडल में सपोर्ट होना चाहिए था राइट। अब अगर इस वाले कैंडल में सपोर्ट होना चाहिए था तो देख लेते हैं एक बारी कि इसने जब हाई मारा उस दिन पे, मान लो आपका यहां कहीं पे हाई आ गया था, तो उससे पहले का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वो ये वाला था, 3:05 राइट। तो 3:05 इज दिस, ठीक है, रफली ये वाला एरिया है। ठीक है सर, नहीं समझा ये दिन क्यों लिया। ये दिन इसलिए लिया क्योंकि देखिए आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, सेल ना, तो इसका मतलब क्या है, आप उल्टी स्थिति देखो, ऐसा कौन सा दिन था जिसका हाई टूट के ऊपर आया था, जिसका हाई टूट के ऊपर आया था उसी में तो सपोर्ट पड़ा होगा। ओके आप देखो इस इमीडिएटली इससे पहले ये वाला दिन है जिसके हाई को तोड़ के इसने क्लोज किया है ना, के बाद में भी एक नया हाई बनाया है, ये तो हाई बनाया है पर ये तो रेजिस्टेंस है एक्चुअली, ये देखो है ना, तो आप ऐसे करके इसका इसको उल्टी दिशा में भी जा सकते हो आप, ठीक है, तो आप वो वाला जगह लीजिए जहां पे ये क्लियरली ऊपर जाकर के क्लोज हो गया या वॉल्यूम बढ़ गया, जैसे आप बाई में बाई के केसेस में नहीं करते हो, आप उल्टा नहीं देखते हो कि अरे इस वाले लेवल से गिरा था इसके ऊपर गया क्या, एग्जैक्टली सेम थिंग, वही चीज राइट। तो आपको समझ में आएगा कि बीपीसीएल में सपोर्ट टूट गया था राइट, ये वाली जगह है ना, दिस इज द एरिया, ओके राइट, इसके नीचे खुल रहा है क्या, हाँ खुल रहा है, चलो ठीक है ओके। अब जब इसने कल सपोर्ट तोड़ा तो इसने फिर सपोर्ट बनाया कहां पे, इसने सपोर्ट बनाया मान लो इस पे 3:10 पे, इस पे सपोर्ट बनाया। अब ये तो स्ट्रॉन्ग खुल रहा है ना, ये देखिए ये साइडवेज खुल के यहां पे साइडवेज हो गया ना, और ये तो ऊपर जाने लगा, इस दिशा में जाने लगा ऊपर की तरफ राइट। अब जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, एक ब्रेकआउट वॉल्यूम है, कल से हाईएस्ट वॉल्यूम है, देखिए पूरा सब कुछ ब्रेकआउट कर चुका है ये वाला वॉल्यूम, ओके करेक्ट, लॉन्ग कैंडल, लॉन्ग कैंडल, ठीक है। ओके अब किस तरफ जाना चाहिए, नीचे, ये देखिए ये नीचे जा रहा है ना, ये देखिए टूटा। अब क्या होना चाहिए, अब यहां पे जब वॉल्यूम बढ़े तो सेलिंग होना चाहिए। चलो यहां पे मान लो यहां कहीं पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो आप देखते हैं बाइंग कहां से आती है, बाइंग यहां आ गई इस वाली जगह पे। अब अगर मैं सही हूं तो इसके लो को तोड़ के निकलना चाहिए इस वाले कैंडल के, वो भी आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, अदरवाइज यहां कहीं पे इसका सपोर्ट पड़ा था ना, सपोर्ट टूट जाने दीजिए आप राइट, लेट द सपोर्ट ब्रेक, वंस द सपोर्ट ब्रेक्स आप देखिए बाइंग कहां आ रहा है, मान लो यहां आ रहा है। अब अगर बाइंग यहां आ रहा है तो अब इंट्राडे का हाई बनेगा ना, इंट्राडे का लो नहीं बनेगा, करेक्ट, इसमें इंट्राडे का लो बन गया, तो इसका मतलब आपका हाइपो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मैंने वो ओपनिंग की वजह से छोड़ दिया उसको। हाँ कोई बात नहीं, पर अगर आप हिंद पेट्रोल देख लेते या वो देख लेते तो उनमें तो आपको दिख ही जाता है,
मतलब वीक करेक्ट. लो ओपनिंग में था, है ना. अब देखिए, आप धीरे धीरे करके आप डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दीजिए. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जब आपने किसी सेक्टर को स्पॉट कर लिया है, तो एक सेक्टर के अंदर एक ही स्टॉक थोड़ी होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बराबर. तो उन सबको खोल के देखो, ओके. है ना. अब उनके अंदर जिनमें आपका हाइपोथेसिस मैच कर रहा है, राइट, जिनमें भी उसका आपका हाइपोथेसिस मैच कर रहा है, आप केवल उनमें ट्रेड करो. करेक्ट. ठीक है. आप अगर उसमें आप देख रहे हो कि मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं जो मेरे इसमें आए हैं, आप अगर उस अपनी क्वांटिटी को डिवाइड बाय 3 कर दोगे, मतलब क्वांटिटी इन द सेंस अपने कैपिटल को जो आपका एक्सपोजर है, आप अपने एक्सपोजर को अगर डिवाइड बाय 3 कर दोगे और तीनों में भी ट्रेड लगा दोगे, ओके, तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ना, 1/3 हो जाएंगे. करेक्ट. ठीक है. क्योंकि उस केस में क्या है कि अगर आप एक ट्रेड उतने ही कैपिटल से लेते, अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आप पूरा आउट हो जाते. अब अगर आप 3 ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप अपने चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ा रहे हो. अब किसी भी ट्रेड में गलत होने का जो चांस है वो केवल 33% है ना. पहले 100% था या 50% था बेसिकली. अब आपके किसी भी स्टॉक में सही या गलत होने के जो चांसेस हैं वो एक्चुअली 17.5% है. ओके. इस वजह से आप अगर ऐसा करो, इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. क्योंकि सिर्फ एंट्री वो, हाँ, एंट्री सिर्फ सपोर्ट रेशियो करने, ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सपोर्ट टूटने के बाद भी करो बाइंग, आप किसी भी तरह से करो. ठीक है. देखो, अब तो आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है पहले से. ठीक है. तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, हार्डली मैटर्स. पर आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए उसको, है ना. क्योंकि आगे चल के ये इस वजह से काम आएगा, क्योंकि आगे चल के मान लीजिए आपका एक्सपोजर 50,000 रुपए का है, तो एक में स्टॉप लॉस हो जाएगा. अगर 50,000 का है तो सीधा 5,000 गया ना. करेक्ट. है ना. अब उसी को अगर आप डाइवर्सिफाई कर दोगे तो मतलब देयर इज अ वेरी ब्लीक चांस कि यू विल लूज द एंटायर 5,000 रुपीज. करेक्ट. करेक्ट. इवन इफ यू लूज इन 2 and 1 वर्क्स आउट फॉर यू, Still, it will not give you a loss. Of course, correct. उसमें से ज्यादातर दिनों पे क्या होंगे कि तीनों में से एक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, दो शायद ओके ओके परफॉर्म कर जाए, या थोड़ा बहुत आपको 1-1% का प्रॉफिट दे दे, जो भी है. Correct. Still, it is okay for you. Sir, अभी तक मैंने एक और एनालाइज किया क्या कि जब हम लोग का एसएल तो हिट होता है, लेकिन जिसमें एसएल हिट नहीं होता है उसमें माइनर लॉस या माइनर मतलब प्रॉफिट होता है, टारगेट मतलब अचीव नहीं होता है 1% भी. वो इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा समय एक्सेल शीट पे लगा रहे हो. मोमेंटम कैसे पता लगता है आपको, क्या बताए, प्राइस ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम में ब्रेकआउट हो तो, है ना. वॉल्यूम, वॉल्यूम और price. आपका डिलीवरी ना, वॉल्यूम और डिलीवरी में ब्रेकआउट हो जाएगा, पर प्राइस में नहीं होगा. प्राइस में ब्रेकआउट नहीं होगा क्योंकि उसी को तो आप ट्रेड करते हो, है ना. जहां पे आप देख रहे हो मेरा डिलीवरी ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और ऑब्वियसली वॉल्यूम तो ब्रेकआउट हो ही गया होगा, तो अगले दिन क्या होगा, उसमें प्राइस ही तो ब्रेकआउट होगा. यस. Yes.
किसी भी डायरेक्शन का हो, वो चाहे बाई का हो, सेल का हो, कुछ भी हो, अब मतलब आप प्राइस ब्रेकआउट होगा ना उसमें, तो मोमेंटम उसी में ज्यादा होगा ना। बट जिसमें मान लीजिए प्राइस ब्रेकआउट ही हो चुका है ऑलरेडी, उसमें मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े कम ही रहेंगे ना, राइट? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मोमेंटम सबसे ज्यादा पहले या दूसरे दिन पे होता है, उसके बाद वो टायर्ड हो जाता है। मैंने कई बार बोला है ना कि चौथे दिन पे बाई ट्रेड क्यों कर रहे हो, चार दिन हायर हाई हायर लो बना चुका है, पांचवें दिन पे ट्रेड कर रहे हो आप, तो वो तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना उसमें। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अब तो मोमेंटम डाई हो चुका है उसमें। क्यों? क्योंकि जो लोग घुसे थे अब तो उनके निकलने का समय आ गया है ना। अब जब वो निकलेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे तो रिट्रेसमेंट में आ जाएगा ना वो। ये सुनो, आप कभी भी देखना, आप मेरे ही चाहे कुछ वीडियो उठा के देख लेना, जब बड़े मूवमेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम आता है, बाई साइड पे लो से खरीदा हुआ तो आता है, राइट? और सेल साइड में हाई से बेचा होता है तो आता है, ठीक है? उसका रीजन है, वो पहला दिन है उसके मूवमेंट का, राइट? पहले और दूसरे दिन पे मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि उसी जगह पे तो बताया होता है ना इंडिकेटर्स को कि शॉर्ट चले जाओ और आप लॉन्ग जा रहे हो। एमेच्योर ट्रेडर्स को इंडिकेटर्स ने अभी इंडिकेट किया है कि शॉर्ट इट, आपको देख के लग रहा है गो लॉन्ग, राइट? आपने लॉन्ग किया, उसने शॉर्ट किया, ठीक है? इट इज इन फेवर ऑफ द लॉन्ग, तो जिसने शॉर्ट किया उसको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा ना एकदम से, वो उतने से ही 1-1.5% मूव कर जाएगा सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से, ओके? तो इसीलिए, लेकिन हम लोग सर अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग पहला दिन को मूव तो हम लोग कैच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले लोअर लोअर हाई हाई का फॉर्मेशन देखते हैं, दूसरे दिन उसके बाद सेकेंड डे हम लोग इंटरव्यू चाहते हैं लेते हैं। दूसरे दिन तो कर पाओगे ना? हाँ, दूसरे दिन ही कर पाएंगे। अगर जैसे हम लोग ब्रेक इन साइड ट्रेड नहीं कराया कभी, नहीं पढ़ाया आपको ब्रेक इन साइड ट्रेड का मतलब क्या? अगर बाई करना है तो लो के नीचे गिरना है तो उसको वहां से उठा लेना जी। वो क्या होता है, वो तो गिरते हुए स्टॉक को उठा लिया ना आपने जी। हाँ जी, पर वो सिर्फ बुलिश स्टॉक्स में करते हो आप, ठीक है, राइट? अभी क्यों मना कर रहे हैं कि लो से मत बेचो आप, क्योंकि अभी तो ये सारे स्टॉक बुलिश हैं एक्चुअली। ये किस दिन के लो से पलट जाएंगे आपको वो देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये किसी ना किसी लो से जो पलटेंगे अब, इफ दे आर बुलिश तो ये तो रिट्रेसमेंट ले गए, है ना? अब अगर स्टॉक 25% ऊपर गया है, 20% ऊपर गया है, 10% ऊपर गया है, तो जितना वो ऊपर गया है उसका उतने का कम से कम 20-1% तो रिट्रेस करेगा ही ना, 20-30%। तो अगर कोई स्टॉक 100 पॉइंट्स ऊपर गया है तो 30 पॉइंट्स तो नीचे आ ही सकता है, राइट? अभी जो ये सब आप ट्रेड कर रहे हो, ये बियरिश ट्रेड्स नहीं कर रहे हो, ये रिट्रेसमेंट ट्रेड्स हैं आपके, ये केवल रिट्रेस हो रहा है, गॉट इट? पर इन सबने ऊपर जाना है अभी थोड़े दिनों में वापस, अनलेस कि ये स्विंग लोज ब्रेक कर जाए यहीं से, जो कि लगता नहीं है एकदम से होगा, पर इनको फिर वापस ऊपर ही जाना है, राइट? स्पेशली स्टॉक्स लाइक रिलायंस, HDFC, राइट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, राइट, सीमेंट स्टॉक्स। इलेक्शन का भी टाइम है ना सर? इलेक्शन का भी टाइम है, तो अगला महीना थोड़ा सा तो डाइसी रहेगा ना,
पर ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलता ही रहेगा उसमें भी। गिनती कब है? लास्ट डेट कौन सा है? 23 25 20 25th है ना? तो ठीक है, उसका मतलब 23 23। ओके, तो इसका मतलब अप्रैल का एक्सपायरी डल होगा, पर मई में काफी मूवमेंट रहेगा। ठीक है, लेट्स सी। जैसा अभी आपने बताया फर्स्ट डे और सेकंड डे ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम वाइज अच्छा रहता है, तो सर हम लोगों के लिए फर्स्ट डे आइडेंटिफाई करने का कोई बेटर वे या कुछ एनालिसिस आप बता पाएंगे? कितने स्टॉक हैं आपके, टोटल कितना स्टॉक होता है? सर अभी तो हम निफ्टी 50 में कोशिश कर रहे हैं। 50 स्टॉक है मतलब, राइट? यस। अगर 50 के 50 स्टॉक भी सुबह खोल के देखना चाहो या रात को खोल के देखना चाहो, आपको बहुत ज्यादा 50 मिनट लगेगा। हाँ यस राइट, बहुत ज्यादा लगेगा तो 51 मिनट लगेगा। यस ठीक है, तो वही तरीका है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखना क्या होता है आपको, आपको इतना ही तो देखना है कि अगर रेजिस्टेंस से गिरा था, अगर लॉन्ग जाना है तो आपको रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, सेल शॉर्ट्स होने चाहिए सिस्टम में। अगर बेचना है तो लॉन्ग्स होने चाहिए, क्योंकि वही कवर होंगे, राइट? तो आपको देखना क्या है कि जो पिछला लो टूट के नीचे आया था वॉल्यूम के साथ, क्या उसके ऊपर चला गया क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो खत्म हो गई बात, उसको बंद कर दो, फिर अगले को खोल के देख लो, अगले को देख लो, अगले को देख लो, अगले को देख लो। ठीक है, ये तो अभी कर रहे हो ऐसा, आगे चल के तो याद हो जाएंगे। तो सर ये डेली टाइम फ्रेम पे देखना है या 5 मिनट पे देखना है? नहीं, डेली को खोल के देख लो ना। ओके, 5 मिनट तो एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो। ओके, पहले तो मैक्रो मैच होना चाहिए ना। हाँ हाँ है ना। अब मान लो कि अगर सेक्टर का अलाइनमेंट ही मैच नहीं कर रहा है okay. तो फिर क्या करोगे, यूजलेस है ना आपके लिए। और आपको पता है सीजन में कुछ ही फल होते हैं। यस सर, यस है ना। तो जब आम आएगा तो आम इज अ सेक्टर, तो लंगड़ा भी आएगा और अल्फांसो भी आएगा, सभी कुछ आएगा है ना, सफेदा भी आएगा, तोतापुरी भी आएगा, सभी आएगा, वो सब अलग अलग स्टॉक्स है ना। तो पहले एक सेक्टर को सीजन में आना पड़ता है। अब वो चाहे ऑटो हो, एनर्जी हो, बैंक हो, जो भी हो, वट एवर इट इज, वो पहले सीजन में आएगा, सीजन में आके उसके बाद उसमें चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फटाफट भी सेक्टरली चार्ट्स अगर देखना है तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें चले जाना, इसमें भी आपको दिख जाएगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये यहाँ पे अगर सेक्टर का डाल दोगे, मान लीजिए निफ्टी, मान लो मेटल, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया, इसको करके ये यहाँ से ऐसे कर लिया, तो इससे भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये कल का हाल था ना, ये वाला देखो, राइट? तो ऐसे करके भी आप थोड़ा, आपको आइडिया मिल जाएगा सेक्टरली। ठीक है, बट हाँ, वैसे अगर आप देखोगे तो थिंग्स आर क्वाइट दिस थिंग ना, ये यहां से बाउंस किया है, यहां से गिरने की कोशिश करी है, देखो ये वही वाला जगह है ना जहां से गैप अप हुआ था, हो गया था, फिर उसके बाद लोअर लो लोअर है बना, तो इस दिन पे कुछ सेलिंग हुआ होगा, राइट? उसके बाद अगले दिन देखो एकदम फटाक पलट के कहां ओपन प्राइस के भी ऊपर खुला था, राइट? फिर ऊपर गया, ऐसे किया, ये चौपी हो गया इस वाले एरिया में, तो आप ऐसे करके ढूंढ सकते हो, ऐसा कुछ इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, अब अगर दो सेक्टर तीन सेक्टर आपको मिलेगा, तो दो सेक्टर तीन सेक्टर का मतलब हुआ कि मतलब हाना करके भी 7-8 स्टॉक्स का चॉइस रहेगा आपके पास, उसमें से दो तीन भी होगा तो बहुत है ना। हम तो हफ्ते में 3 ट्रेड करने की बात करते हैं,
पूरी समझ बूझ के साथ, है ना। हफ्ते में तीन भी कर दिया बहुत, मुझे भी ब्लॉक वन रिपीट करना है। हाँ, आपको ब्लॉक वन रिपीट करना है और सेम वही 1/4 ही रखोगे। ओके सर, ठीक है सर। ये ब्लॉक थ्री जो मुझे करना है उसमें लेवरेज है 20% करना है, सॉरी 20 टाइम्स। हाँ, आप कोई वो डीलेवरेजिंग नहीं लगाओगे उसके ऊपर, और आप 15 टाइम्स या 20 टाइम्स के हिसाब से करोगे, उसको डबल करना है आपको। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी सर, ये आपने सेलिंग का जो बताया था ना, एक स्टॉक बीपीसीएल, बीपीसीएल था ना वो सर, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर करेंगे, अगर उसमें सेलिंग, तो वो कंसोलिडेशन कैंडल के लो पे सेल कर सकते हैं ना, मतलब। हाँ, उसके लो पे सेल करना पड़ेगा फिर, मतलब वो कंसोलिडेशन कैंडल के लो पे सेल करना है मतलब। राइट, या वेट करना है सपोर्ट ब्रेक होने का, कैसे करना है सर? नहीं नहीं नहीं, वो आप कंसोलिडेशन कैंडल के लो पे भी ले सकते हैं एंट्री। अच्छा, ले सकते हैं मतलब, सेल ले सकते हैं मतलब, ले सकते। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने जैसे वॉलिटिलिटी मेथड भी तो पढ़ा है ना, तो अगर आप इसको अगर वैसे भी देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसे करके ऊपर गया था तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना है। यस सर, है ना, आपको लगता नहीं है यहाँ से गिरा फिर यहाँ है? हाँ राइट सर, वो लो के नीचे भी बना है, प्रीवियस लो के नीचे। यस यस सर, है ना, तो ऐसा होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। जहाँ पे भी मतलब इस तरीके का मतलब मूवमेंट आपको दिखेगा, तो वॉलेटिलिटी मेथड के हिसाब से भी दिस इज अ सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट, राइट। सो अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो ओके, यहाँ से सपोर्ट आया, ये गया, ये गया, ये ग्रीन है, राइट, यहाँ पे रेड आया, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी इस वाले एरिया से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली इधर से गिरा, ये स्टॉप लॉस लेवल ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड यू कैन एंटर इट। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें, डिलीट कर देता है, अब देखो ये मान लो अगर ये वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहां से चढ़ना शुरू हुआ ना, तो अभी पीछे में देखो कहां से वॉल्यूम बढ़ के गिरना शुरू हुआ था। अभी अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो ये कितना है, ये 27 है, 24 और ये है, तो इसका मतलब ये 10-20 और 10-25, राइट, 10-25 पे गिरा था ये वाला जगह, है ना, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था और प्राइस गिरा था, प्राइस भी, हाँ देखो गया ही नहीं वापस, हाँ राइट राइट सर, ऐसे इसका मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस था तो इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड एज इट गेट्स क्लोजर टू दिस, राइट, अब देखो मतलब ये बहुत माइक्रो लेवल है एक्चुअली, ये वाला एरिया, ठीक है, अब मान लो हिंडाल्को है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अब ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस नीचे की तरफ आ गया ना, लॉन्ग कैंडल के बाद शॉर्ट हो गया, तो yes, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जगह है जो रेजिस्टेंस बना सबसे पहला, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल्स हैं, इसको डिलीट कर, अब ये मान लीजिए कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स है और यहां से बिकना शुरू हुआ, चलो ठीक है, अब जब यहां से सेल होना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि ये कहां से वॉल्यूम उठा के गया था, हाँ, वाली जगह पे ना, हाँ, राइट सर, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इसका सपोर्ट होना चाहिए, यस सर, राइट, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले कैंडल के नीचे इसका स्टॉप लॉस लेवल होगा, क्योंकि अगर लोग यहां से इसे लॉन्ग उठाएंगे, राइट, तो इसके नीचे तो नहीं टूटना चाहिए ना, यस सर, देख लीजिए, हाँ वहां पे वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वो मेटल सेक्टर ही है, यस सर, यस सर, राइट सर, ठीक है, अच्छा
तो इस हिसाब से सेल ले सकते हैं मतलब सर, मतलब वो अगर हाँ बिल्कुल। अब देखो ये है आपका रिलायंस, राइट। अभी मान लो ये कॉन्टिन्यूस गया, मतलब ये वाली जगह से ये मान लो टूटना शुरू हुआ, ठीक है, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। हाँ अब अगर ये इस वाली जगह से टूटना शुरू हुआ तो अभी देखते हैं कि पिछला कहाँ से वॉल्यूम बढ़ा करके हाई तोड़ा था, मान लो यहाँ भी नहीं, इस वाले में टूटा था, राइट। तो इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे होना चाहिए अब, राइट, और इसका मतलब इसका स्टॉप लॉस लेवल लोगों के लिए यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना लोगों का, यस सर। राइट। ये देखो राइट सर। ठीक है, ये सब सपोर्ट ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, हाँ ये सब आपको पता है, हाँ द यस सर ओनली थिंग यू हैव टू मास्टर। यस सर। ठीक है, इन नहीं सब अभी कैसे सर, बाइंग ही कर रहे थे ना, तो अभी सेलिंग का भी कोई बात नहीं, मतलब वो करना है। प्रैक्टिस हो हाँ जाएगा थोड़ा, पर हाँ यस सर। माई ओनली पॉइंट इज स्पेंड लेस टाइम ऑन एक्सेल शीट। मैंने पहले राइट भी सर, बोला है कभी गुलाम नहीं बनना है आपको एक्सेल शीट का, वो सिर्फ एक्चुअली सर, आपको मदद करना चाहिए। स्पेंड यस सर। मोर टाइम ऑन द चार्ट्स एंड ऑन द रिपोर्ट, इंडिविजुअल रिपोर्ट पे और इंडिविजुअल चार्ट पे, सेक्टर पे, मार्केट पे, उसमें ज्यादा आपका समय जाना चाहिए। यस सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। चलिए बहुत बढ़िया है। सो नेक्स्ट वीक इज हॉलीडे है, तो हमारी मुलाकात एक्चुअली अब होगी 1 तारीख को। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर, ओके, तो अब हम मिलेंगे 1 तारीख को, वही 8:30 सेम टाइम। ओके सर। हेलो सर, हाँ जी, मेरा ब्लॉक वन सर कंप्लीट हो जाए तो टू टू शुरू चालू कर कर दीजिए। दूंगा। हाँ, टू चालू कर दीजिए। ओके सर, राइट सर, थैंक यू। टू चालू कर दीजिए ओके क्योंकि नेक्स्ट वीक तो पूरा ही हफ्ता है, कोई छुट्टी राइट तो और सर। नहीं है। हाँ, अगले हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, बस एक्सपायरी का दिन नहीं है। नहीं हाँ जी सर, ठीक हाँ, कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। है सर, ठीक है। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, गुड ओके, नाइट, गुड गुड नाइट, ओके नाइट सर, ओके, गुड नाइट सर, हैप्पी गुड जर्नी। नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, हैप्पी जर्नी सर। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कर दिया।